जमशेदपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ा भाल की जामदा के बरसाती नाले से बरामद 23 वर्षीय नीलकांत पात्रा के शरीर मामले का खुलासा करते हुए उसके भांजे राजनगर निवासी 26 वर्षीय हेमंत पात्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर कान में प्रयुक्त पत्थर, कपड़े, मोटरसाइकिल एवं शराब की बोतलें भी बरामद कर ली हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि अभियुक्त हेमंत पात्रा बचपन से ही अपने ननिहाल में रहता था और उसके नाना ने उसे जायदाद में हिस्सेदार भी बनाया था, मगर नीलकांत पात्रा अभियुक्त को जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता था। इसी वजह से अभियुक्त ने घटना के दिन अपने मामा को शराब पिलाकर पत्थर से कुचलकर उनकी जान ले ली और उसके शरीर को बरसाती नाले में फेंक दिया। साथ ही पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। 10 जुलाई को कोवाली थाना में करीब शाम को सूचना मिली कि कोवाली थाना अंतर्गत ही बड़ा भालगी ग्राम में एक बरसाती नाला में किसी शव को तैरते हुए देखा गया है। तो सूचना के सत्यापन के क्रम में थाना प्रभारी वहां पहुंचे तो उनके द्वारा वहां देखा गया कि बरसाती नाले में एक शव और बाइक को वहां पाया गया। आसपास के लोगों और मृतक के परिजनों से शव का जब पहचान करा गया तो शव की पहचान नीलकांत पात्र जो कि कोवाली थाना के ही बामनवासा गांव का निवासी था के रूप में की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक मूसाबनी के नेतृत्व में एक टीम कान के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर ही कांड का उद्भेदन किया गया तथा हत्या के आरोप में मृतक के ही भांजे सरायकेला खरसावा के राजनगर निवासी हेमंत पात्रा को गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशानदेही पर घटना को पारित करने में प्रयुक्त पत्थर, उसके द्वारा जो पहने हुए कपड़े, शराब की बोतल और एक जो बाइक को बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई कि जो इसमें जो अभियुक्त है हेमंत पात्रा वह बचपन से ही अपने ननिहाल में रहता था तो इनके नाना इनको वहीं पे जमीन देकर बसाना चाहते थे, परंतु मृतक के मामा नीलकंठ पात्रा इस बात से असहमत थे। इनके बीच में पूर्व में भी इस चीज को लेकर बराबर मारपीट और झगड़ा होते रहा है। तो इसी के क्रम में इसके अब प्राथमिक ये अभियुक्त हेमंत पात्रा द्वारा मामा को मारने की साजिश रची गई और उसको सुनसान इलाके में शराब ले जाकर शराब पिलाकर उसकी अकेले हत्या किया। इसके साथ में और भी कोई था नहीं, अकेले ही इसने हत्या का प्लान अकेले ही बनाया और अकेले ही इसकी हत्या की। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School Giridih continues to enroll. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Come on, hurry up. Seats are limited.